हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ हम नेम रिएक्शंस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की। साथ में हमारे पास एक क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमारे पास मतलब हमारे पास ये हमने दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हमारे पास, हम इसके कैसे कैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके हमारे पास इस पर अटैक कर सकता है, कैसे कहाँ कहाँ उसका हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा, तो कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे होगा, मेटा पे होगा या पैरा पे होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ लगा हुआ है सी एच ग्रुप हमारे पास, जो कैसा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास, मतलब कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई शो करता है। तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से, ऑर्थो से और पैरा से। हमारे पास इसमें रेजोनेंस बनाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से निकालेगा, ये ऑर्थो से और पैरा से बनाएगा, निकाल लेगा हमारे पास। तो कौन सी पोजीशन हमारे पास रह गई, मेटा हमारे पास सब्सटेंट। तो हमारे पास जो अटैक होना है, जो सब्सटेंट हमारे पास होना है वो कहाँ पे होगा, ओनली एट द मेटा पोजीशन। हमने क्या करवाया, नाइट्रेशन कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास क्या लगना है, नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगेगा, ओनली एट द मेटा पोजीशन। सेम हमारे पास हमने क्या करवा दिया, इसका ब्रोमिनेशन कहाँ लगेगा, खाली एट द मेटा पोजीशन। हमने सेम यहाँ पे क्या करवाया, आपके पास सल्फोनेशन, तो हमारे पास ये भी कहाँ लगेगा, सेम एट द मेटा पोजीशन। इसके अलावा हमारे पास तीन नेम रिएक्शंस हैं, वो आपको काफी अच्छे से करनी है। उसमें फर्स्ट हमारे पास है हेल वोलहार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली अल्फा हेलोजिनेशन होता है। तो इसको समझिए हमारे पास क्या है, मान लो मेरे पास ये दिया हुआ था CH3COOH हमारे पास, हमने इसमें क्या डाल दिया, आपके पास रेड फॉस्फोरस डाल दिया आपके पास, साथ में हम क्या डालते हैं इसमें क्लोरीन डाल रहे हैं। तो हमारे पास आपको क्या करना है, जो COOH लगा हुआ है उससे जो अगला कार्बन है वहां से एक H निकालना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और मैंने H लिख लिया। मेरे पास दो Cl हैं, मैंने Cl2 को ऐसे लिख सकता हूँ। हमारे पास यहाँ से क्या करना है, आपको ये HCl निकालना है। एक Cl कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा बनने वाला है आपके पास, ये COH सेम रहेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2Cl। इसी को हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन। कि हमारे पास इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, वहां से कैच आपने रिप्लेस किया, वहां आपने एक सीएल लगाया, मतलब अल्फा में क्या कर दिया, हेलोजन का एडिशन किया। मैं क्या बोल दिया इसको, अल्फा हेलोजिनेशन। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलोजिनेशन। हमारे पास यहाँ तो एक HCl2 दिया हुआ था, अगर हमारे पास तीन Cl2 होते हमारे पास क्या होंगे, तीनों एच निकाल देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, CCl3COH हमारे पास। एक तो हमारे पास ये रिएक्शन काफी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास दो रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में हैं, उसे क्वेश्चन आते आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशंस हमारे पास कौन शो करेगा, कैसे करेगा। तुम्हारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल दे रखे हो आपके पास, चाहे एल्डिहाइड के हों चाहे कीटोन को, उन्हें हमें कंडेंस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। हमारे पास ये हमें कंडीशंस ध्यान रखनी है, हमारे पास ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। दो हमने एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले सकते हैं हमारे पास। नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि हमारे पास अल्फा एच होने ही होने चाहिए हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इससे जो अगला कार्बन है ये अल्फा कार्बन, इसके पास एच थे, तो इसको हमने क्या बोल दिया, हमारे पास यहाँ पे अल्फा एच थे। हमारे पास ऐसे क्या है, यहाँ पे अल्फा एच हमारे पास होने ही होने चाहिए। हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, मान लो मैंने ले लिया ऐसे एल्डिहाइड, मेरे पास क्या होता है बेसिकली CH3CHO, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, इसको थोड़ा ऐसे शो कर देता हूँ CH3 and CHO। कंडीशन क्या बताई थी हमें, क्या चाहिए, डाइल्यूट NaOH और साथ में हमारे पास क्या आया था, अल्फा एच। ये CHO हमारे पास दिया हुआ है, इससे अगला कार्बन, इसके पास H लगे हुए हैं, ये CHO इससे अगला कार्बन, यहाँ पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है इस केस में, कैसे हम इसके रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास क्या ध्यान रखना है आपको इसमें। तो हमारे पास यहाँ से कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास जो यहाँ का एक H है ये जाएगा इस ओके पास। तो हमारे पास यहाँ से क्या होना है, कुछ मैं अगर इसको दिखाऊँ एक स्टेप में, तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये CH3 हो गया, ये C, ये क्या बन गया OH हमारे पास, यहाँ H था ही हमारे पास, यहाँ क्या हो गया हमारे पास CH था, एक हमारे पास H इसमें नीचे लगा हुआ है, और यहाँ क्या है COH हमारे पास, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम ऐसे ही हीट करेंगे, तो हीट करके आप इसको थोड़ा ऐसे, मैंने अगर इसको मैं ऐसे शो करना चाहूँ, इस को मैं ऊपर लगा देता हूँ, कहीं भी कर लो हमारे पास, हमारे पास ये तो क्या बन गया सिंपली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्डोल। कैसे, देखो यहाँ पे OH ग्रुप आया, इसको हम बोलेंगे एल्कोहल, ओल हो गया, और हमारे पास ये क्या है एल्डिहाइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं एल्डोल बोलते हैं। खाली आपसे पूछे कि एल्डोल रिएक्शन दिखाओ, तो हमें ये एक स्टेप दिखाना है। आपसे बोले एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमें क्या करना है, यहाँ से OH, यहाँ से H, वोटर निकाल दो, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO हमारे पास।
इसको हम क्या बोलते हैं क्रोटोनल डेट। तो हमारे पास कुछ भी नहीं करना, आपके पास हमारे पास दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या करना है आपको, पहले स्टेप में दो एल्डिहाइड की दोनों कॉपी दे रखे हैं, एक का एच दूसरे के ओ को देना है, वहाँ पे OH बन जाएगा। बाकी सेम लिख के दिखा दो, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डोल। अगले स्टेप में हीट करके वहाँ से क्या निकाल दो आप, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। हमने कंडेंस करके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और निकाल दिया। दो तीन इसके एग्जांपल करवा रखे हैं, आप इनको इजीली कर सकते हो। हमारे पास ये हमारे पास था सिंपल एल्डोल। क्रॉस में क्या होता है, यहाँ हमने देखो दोनों एल्डिहाइड सेम लिए हैं, दोनों कीटोन सेम लिए हैं, दोनों हमारे पास कीटोन सेम लिए हैं। जहाँ हमने क्या ले लिया, दोनों एल्डिहाइड लिए, दोनों कीटोन ले लिए, हमारे पास क्या ले लिया, अलग अलग ले लिए। यहाँ हमारे पास एक कार्बन था, इसमें दो कार्बन थे। तो जहाँ हमारे पास दोनों अलग अलग होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। हमारे पास हमारे पास क्या ले लिया आपने, एक बेंजल्डिहाइड ले लिया हमारे पास, एक क्या ले लिया आपने, इथनल ले लिया। तुम्हारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, करना वही है हमारे पास, यहाँ का एच मैंने इसो को दे दिया तो क्या बन गया, सी ओ एच हमारे पास। फिर हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल। काम वही है हमारे पास सारा, बस इसको हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। हमारे पास एक हमारे पास क्या थी, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और जो लास्ट हमारे पास है, लास्ट हमारे पास जो इसकी नेम रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी है, कैनिजारो। ये हमारे पास सेम वैसी है, वही हमारे पास एरोमेटिक एलिफैटिक हमने एल्डिहाइड लेना है, जिसमें क्या होना चाहिए, अल्फा एच नहीं होना चाहिए। हमारे पास एल्डोल में क्या आया था, अल्फा एच नेसेसरी है। तो हमारे पास आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास जिसमें अल्फा एच होगा उसमें हम कराएंगे एल्डोल, जहां पे अल्फा एच नहीं होगा वहां हम क्या कराएंगे, कैनिजारो। वहां आया था कंसेंट्रेट, सॉरी डाइल्यूट NaOH, यहां हमारे पास क्या आएगा, कंसेंट्रेट NaOH या KOH हमारे पास। तो ये कंडीशन में ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन देखो, हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन आ गया, HCHO हमारे पास, मतलब दो हमने क्या ले लिए, एल्डिहाइड ले लिए, इनमें देखो अल्फा एच नहीं हमारे पास, ये है, इससे अगला कार्बन होता उसके पास एच होता उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एच। यहाँ तो हमारे पास क्या है, कार्बन ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बोलेंगे सिंपली इसको हम, कि यहाँ पे अल्फा एच नहीं है। कंडीशन हमारे पास क्या आई थी, कंसेंट्रेट NaOH हमें डालना है। तो कुछ नहीं ध्यान रखो, सिंपल हमारे पास एक जो CHO है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH में, और एक CHO हमारे पास कहाँ चला जाएगा, COONa में। तो हमारे पास इसी के हिसाब से हम इसको जोड़ के लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा, देखो इस CHO को मैंने कन्वर्ट कर दिया CH2OH में, तुम्हारे पास एक एच तो पहले भी था, तो क्या हो जाएगा ये CH3OH हो जाएगा, एक एच पहले ही था और क्या लग जाएगा, HCOONa। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, हमारे पास कैनिजारो डेशन हमारे पास। तो कहाँ पे होती है हमारे पास, देखो हमारे पास जहाँ पे अल्फा एच नहीं आएगा, हमारे पास दो बेंजल डाइड दे दिए, मैंने क्या बताया था, एक CHO कहाँ जाएगा CH2OH में, एक CHO कहाँ जाएगा हमारे पास CONa या COOK में। तो हमारे पास ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया आपके पास, इसकी NCERT वगैरह आप कर सकते हो इजीली, तो इसको ढंग से करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर है, सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें आई हैं लास्ट में, तो इसको ढंग से करिए, इसकी कोई NCERT सॉल्व करिए, कुछ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।